फ्रेंड्स कैसे हो, उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैंने पहले भी चैनल पे वीडियो डाले, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होंगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि मैं कैसे बना रही हूँ, कोई कमी है तो मुझे बताइए। मैं आज आपको आम पापड़ बना के दिखाती हूँ कि आम पापड़ हम घर पर कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स दो आम लिए मैंने बड़े बड़े, इनको अपन छिलेंगे और इनका गुदा निकालेंगे। इनका ऊपर से छिल कर जो इनका नीचे का गुदा होता है वो निकालेंगे। दोस्तों ये हमने आम का गुदा निकाल लिया सारा और इसको हम मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीसेंगे। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ मैंगो मैंगो ही डालना है। फ्रेंड्स हमने ये सारा पीस के बिल्कुल बारीक कर लिया। ये देखो इसमें कुछ भी नहीं डालना, ना दूध डालना है ना पानी डालना है, बस इसको फिर इस कढ़ाई में डाल के हम इसको चलाएंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा रह जाता है, इसको थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे और अच्छे से ला के, ताकि जो जो चिपका हुआ है वो अच्छे से उतर जाए। और इसको थोड़ा कम गैस करके बनाएंगे। इसको चलाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। थोड़ा तेज करेंगे ताकि इसके इसमें उबाल आ जाए। इसको धीरे धीरे खिलाएंगे ताकि इसके जो बुरबले उठते हैं ना वो सारे छिट्टे होते हैं ऊपर पड़ते हैं, तो इसको मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और इसमें अब डालेंगे चीनी, स्वाद अनुसार अपनी चीनी डालो, जैसे आपको चाहिए खट्टा मीठा उस तरीके से। मैंने ये ली है कटोरी चीनी की, डालेंगे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपने खाने वाला कलर होता है अगर वो डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डालूँगी ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए, थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। मिक्स करेंगे ताकि इसका कलर बिल्कुल आम पापड़ जैसा लगे। दोस्तों आपने खाया ही होगा आम पापड़। फ्रेंड्स जो इसमें थोड़ा बहुत ये रह जाती हैं, पीस रह जाते हैं, उसको आप ऐसे करके निकाल दो। जैसे ये बीच में से थोड़ा निकल रहा है तो हम इसको निकाल देंगे, ताकि जब हम आम पापड़ा बनाएंगे तो ये गिल्टियाँ बीच में आ जाएंगी, तो हम निकाल देंगे। हम इसको हिलाते जाएंगे, थोड़ा कम गैस पे बनाएंगे फ्रेंड्स ताकि ये नीचे ना। फ्रेंड्स इसको इतना हम पकाएंगे तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, जैसे चाशनी होती है ना ऐसे बिल्कुल टपका टपका गिरने लगे, तब लगेगा कि ये हमारा पक चुका है। हम अभी इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये धीमी धीमी आंच में बिल्कुल अच्छे से पक जाए। इसको खट्टा मीठा बनाने के लिए थोड़ा सा हम नींबू डालेंगे ताकि इसका थोड़ा अच्छा स्वाद आए, खट्टा खट्टा मीठा। और हल्का सा हाँ, बाकी आप टेस्ट आपको जितना लगे, ज़्यादा करना है कम करना है तो आप उतना कर सकते हो। और हल्का सा हम ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और हल्की सी
ब्लैक मिर्च डाल लेंगे। हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ चुका है, वो के तैयार हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे, हम थोड़ा सा ऐसे लेंगे और ऐसे चेक करेंगे। ये देखो ये तंदे से बन रही है ऐसे चिपचिपा सा, तो इस तरीके से ये हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे ये गिर रहा है ना ऐसे घाट, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट सा हमारा तैयार हो गया फ्रेंड्स। ये देखो अच्छे से अपना तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में डाल लेंगे। इसको पहले तो हम ठंडा करेंगे अच्छे से, ठंडा हो जाएगा फिर हम प्लेट, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना ताकि प्लेट में फैल ना सके, तो हमने ऐसा ही थोड़ा हल्का ठंडा करना है और फिर हम प्लेट में इसको फैलाएंगे। आपको मैं प्लेट में फैला के दिखाती हूँ कि कैसे करना है। कुछ ठंडा हो चुका है, हम इसको छलनी में छान लेंगे ताकि जो इसकी गुठलियाँ हैं वो अपनी बाहर आ जाएंगी। ऐसे हम इसको अच्छे से फ्रेंड्स ये हमने इनको अच्छे से छान लिया है, जो फालतू का इनका गुलटियाँ थी वो सारी बाहर निकल चुकी हैं। ये देखिए ये अपना ये निकल चुका है, तो हमारा ये तैयार हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल अभी हम इसे फैलाएंगे थाली में। फ्रेंड हमने इस थाली में डाल दिया, अब इसको हम ऐसे धीरे धीरे करके फैलाएंगे ताकि ये पूरी प्लेट में हमारा फैल जाए। बिल्कुल हम फैलाएंगे इसको ताकि हमारा आम पापड़ बिल्कुल पतला और सॉफ्ट बने। ये फैल रहा है अपना। फ्रेंड्स अब हमने इसमें प्लेटों में डाल दिया, ये देखो अच्छे से फैल चुका है ये। अब हम इसे दो दिन की हम धूप लगवाएंगे ताकि ये बिल्कुल सूख के अपना आम पापड़ बन सके। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि दो दिन बाद ये कैसे तैयार होता है, और इस पर हम कपड़ा डालेंगे ताकि कोई मिट्टी धूल वगैरह बाहर जो धूप में सुखाएंगे तो मिट्टी धूल वगैरह ना जाए, इसलिए इस पर कोई भी नेट वाला आपका दुपट्टा हो तो ऐसे डालकर इसको सुखा सकते हैं ताकि धूप भी लगे और इस पर मिट्टी वगैरह कुछ ना होए। ऐसे करके तो यहाँ से बांध देंगे ताकि ये इसको धूप भी लग जाए और इसमें मिट्टी वगैरह भी ना जाए। ये देखो मैंने इसे दुपट्टे से अच्छे से बांध दिया ताकि अपनी मक्खी मच्छर कीड़ियाँ वगैरह मिट्टी धूल इसके अंदर ना जाए, और इसे हम धूप में सुखाएंगे दो दिन के लिए। ये हमारा सूख के बिल्कुल तैयार हो चुका है, अभी इसे हमें निकालेंगे धीरे धीरे, इसको साइडों से बने चक्कू के साथ करेंगे। धीरे हमने उठाना है इसको ताकि ये प्लेट से छूट जाए। देखो फ्रेंड्स कैसे कितना बढ़िया बना है।
मिल चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इतना अच्छा तैयार हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसके पीस करेंगे अपनी मर्जी से, जैसे मर्जी शेप से पीस कर सकते हैं। ऐसे हमारा आम पापड़ तैयार हो चुका है। देखिए ऐसे लेयर बना सकते हैं जैसे मार्केट में होता है। इसको जैसे आपको डिजाइन पसंद हो वैसे आप कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तैयार हो चुका है। देखिए हमारा कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा चीज बना है, इतना टेस्टी है कि आप खा के देखिए।